जय गंगे माता। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से हर की पैड़ी चलेंगे और मालूम हुआ है कि हर की पैड़ी में गंगा जी की सफाई का कार्य चल रहा है, तो उसको भी देखेंगे। उसके साथ साथ हर की पैड़ी में कितना जल अभी आ रहा है उसको भी जानेंगे, कितने श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं ये भी देखेंगे, क्योंकि अब दीपावली का समय बस आने वाला है। बहुत जल्द हमारा, हम सभी का सबसे पसंद जो त्यौहार है वो दीपावली का, वो आने वाला है। इस वजह से इस समय दिवाली के आसपास जो है वो थोड़ी सी भीड़ कम होने लगती है। तो वीडियो में बने रहें, हर की पैड़ी को देखेंगे और जो भी ताज़ा जानकारी है वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ आगे शेयर ज़रूर करें। इसी तरह हरिद्वार, ऋषिकेश और चार धाम यात्रा से संबंधित जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं, इस समय नाई घाट के आसपास के दृश्य आप देख रहे हैं। ये है नाई घाट। नाई घाट में आपको बहुत सारे श्रद्धालु दिख रहे होंगे। आप चलते हैं जो बाकी घाट है वहां देखेंगे, और हर की पड़ी में सफाई का कौन सा कार्य हो रहा है उसको भी देखेंगे, क्योंकि आप लोग लगातार सुनते आ रहे हैं कि हर की पड़ी में सफाई की वजह से जल रोका गया है। लेकिन होता क्या है कार्य, वो आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। अभी कई दिनों से, पिछले कह सकते हैं बहुत सारे दिन में मैं हर की पैड़ी गया हूं, लेकिन मैंने सफाई का कुछ ऐसा कार्य नहीं देखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा भी था कि मुझे सफाई होते हुए एक वीडियो जरूर बनाना। तो अभी आप ब्रह्मकुंड घाट के यहां पर ताजा दृश्य देख रहे हैं। जो गंगा जल है बहुत ही ज़्यादा कम है इस समय। लोगों को स्नान करने के लिए कोई बर्तन या जग के सहारे से जग में जल भर कर अपने ऊपर डाल रहे हैं, वैसे ही स्नान कर पा रहे हैं, क्योंकि जल इतना कम है कि डुबकी लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर एक देख सकते हैं श्रद्धालु के हाथ में एक बड़ी सी थाली है और उसमें जल भर रहे हैं और उसके बाद अपने ऊपर डाल रहे हैं। तो समझ सकते हैं, अब जो श्रद्धालु दूर से हजारों किलोमीटर से, 400-500 किलोमीटर से हरिद्वार पहुंचा है, तो गंगा जल में स्नान तो करना बनता ही है। और ये जो है स्थान, ये पवित्र स्थान है, तो लोग लगातार किसी न किसी तरह से स्नान करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ब्रह्मकुंड घाट के दृश्य हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और यहाँ पर एक देख सकते हैं व्यक्ति डुबकी लगाने के लिए उसको पूरा लेटना पड़ रहा है। और ये है हर की पैड़ी के प्रमुख मंदिर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ मंदिर भी हैं जो हर की पैड़ी के पास हैं वो भी दिखाऊंगा। यहाँ पर प्राचीन बद्री नारायण मंदिर है, तो आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और कमेंट में जय बद्रीनाथ भगवान जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ आगे शेयर करते रहें। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की वीडियो को आप शेयर करते रहा करें, ताकि लोगों को भी जानकारी मिल सके और ताज़ा दृश्य देख सकें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो गंगा जल में सोना चांदी पीतल तांबा कॉइन्स ये ढूंढ रहे हैं। आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं, और जल के नाम पर जल बहुत ही कम है। और अब मैं पहुँच चुका हूँ ब्रह्मकुंड घाट पर, और यहाँ पर माँ गंगे की विशाल आरती होती है। तो यहाँ के दृश्य को आज हम नज़दीक से देखेंगे। अभी तक तो आप दूसरी तरफ से यहाँ के दृश्य देखते आए हैं। और हर की पैड़ी का सबसे कह सकते हैं मुख्य जो मंदिर है, आज मैं आपको वहाँ पर ले चलूँगा और वहाँ पर दर्शन कराऊँगा, माँ गंगे के दर्शन करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्य मंदिर श्री गंगा माता का, तो वहाँ पर चलेंगे। उससे पहले आप ये देख सकते हैं श्री मकर वाहिनी गंगा मंदिर है। हर की पैड़ी में वैसे बहुत सारे गंगा जी के मंदिर हैं, लेकिन जो मुख्य मंदिर है वहाँ मैं आज की इस वीडियो में आपको ले चलूँगा। इसलिए तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें। और ये देख सकते हैं ब्रह्मकुंड घाट में आपको सफाई होते हुए दिख रही होगी। बहुत सारे व्यक्ति जो हैं, क्योंकि आपको बीच में रेत का एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं टीला दिख रहा होगा, इस रेत को
पूरे जगह पर बराबर किया जा रहा है, ताकि जो गड्ढे बने होते हैं, कई जगह क्या होता है गड्ढे होते हैं, तो वहाँ पर श्रद्धालु अचानक जब उनका पैर जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ तो बहुत गहरा है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि जितनी यहाँ पर सरफेस है, कोशिश करें कि जो पूरी सरफेस है वो एक लेवल में हो, क्योंकि अगर यहाँ पर सभी सरफेस बराबर हो जाएगी तो कोई भी श्रद्धालु आसानी से स्नान कर लेगा। और कई बार क्या होता है, एक एक कदम आगे बढ़ते हैं और अचानक बहुत ज़्यादा गहराई आ जाती है, तो ऐसे में दुर्घटना होने के भी चांस बने हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे जो लोग हैं ये रेत को उस जगह पर डाल रहे हैं जहाँ पर गहराई ज़्यादा है, जहाँ पर गड्ढे हैं। तो अभी फिलहाल जो काम हो रहा है वो यही है कि जो फालतू के रेत है उसको भी निकाली जा रही है, और उसके साथ साथ जहाँ पर गड्ढे हैं उनको बराबर किया जा रहा है। और ये है माँ गंगे का मुख्य मंदिर, आप यहाँ पर माँ गंगे के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि अंदर जा पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो कमेंट में माँ गंगे, जय माँ गंगे जरूर लिखें, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अभी आपको हर की पैड़ी के बहुत सारे स्थान हैं जो मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और ये देख सकते हैं, ये ब्रह्मकुंड घाट है, अस्थि प्रवाह घाट है, ये सबसे मेन घाट है और सबसे ज़्यादा श्रद्धालु यहीं पर स्नान करते हैं, यहीं पर अस्थियां विसर्जन करते हैं। और अब पहुंच चुका हूं मैं दूसरी साइड, हालांकि ये भी ब्रह्मकुंड घाट के ही दृश्य इस समय देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर इस समय आप हरिद्वार के दर्शन कर रहे हैं, माँ गंगे के दर्शन कर रहे हैं। और जैसे ही दिवाली का जो त्यौहार है वो कंप्लीट होता है या उसके बाद, हम फिर से एक बार हरिद्वार से बाहर जाकर ऋषिकेश और भी जो बाकी स्थान है वहाँ की वीडियो आपको देखने के लिए देंगे। लेकिन अभी त्यौहार तक, दीपावली तक कह सकते हैं, अभी आपको हरिद्वार की ही वीडियो देखने को मिलेगी, क्योंकि त्यौहार जब आता है और दिवाली हम सभी का सबसे पसंद और सबसे बड़ा त्यौहार है, तो बहुत सारे काम घर के भी होते हैं, घर की सफाई और घर को सजाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो वो कंप्लीट होने के बाद फिर हम हरिद्वार की बाहर की वीडियो आपको अपलोड करके देंगे। दोस्तों, हरिद्वार ऋषिकेश चार धाम यात्रा या हरिद्वार के और धार्मिक स्थल पर्यटन स्थल के बारे में अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मुकेश हेल्प। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।